आ गया मेरा बेटा? देख तो रही हो। तेरे बाबूजी का फोन आया था बेटा, तू आज काम पर नहीं गया, कहाँ गया था? फिल्म देखने। एक दिन अगर काम पर नहीं गया, तुमने सवालों का अंबार लगा दिया। फिल्म देखने मत जाया कर बेटा, तेरे बाबूजी अकेले इतना बड़ा काम कैसे संभालेंगे? क्यों ना जाया करूं, जाऊंगा और हजार बार जाऊंगा, खबरदार जो आगे से मुझ पर ऐसे पाबंदी लगाई तो। अच्छा बाबा, नहीं लगाऊंगी पाबंदी। लाओ खाना ले आओ। तेरे बाबूजी कह रहे थे कल उनके दराज से 200 रुपए भी कम थे। हाँ मैंने लिए थे। मेरे राजा बेटे को इतने सारे रुपयों की क्या जरूरत पड़ गई? देखो बाबूजी की सारी जायदाद का वारिस मैं हूँ, अगर 200-400 रुपए ले भी लिए उससे तुम्हें क्या, तुम कौन होती है पूछने वाली? अच्छा अच्छा चल, कोई बात नहीं, चल बेटा अब गुस्सा मत हो, खाना खा ले। नहीं चाहिए मुझे बेस्ती का खाना। माँ यही है मेरे घर का चिराग, इसी दिन के लिए बड़ा किया था इसे। मैं बाबूजी को फोन करती हूँ, नहीं मैं दीदी को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ आप हूँ? अभी राजा की हरकत से माँ बहुत दुखी होगी। कितनी चाहत थी माँ को एक बेटे के लिए, और हम तीनों बहनें तो जैसे उसे बोझ लगती थी। चल बाहर, अब अगली बार तू यहाँ आया ना तो मैं तेरे जोर से कान खींचूंगी, समझा? चल यहाँ से। माँ मुझे साइकिल चाहिए। अब इसे साइकिल भी चाहिए। मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल चाहिए थी तो लड़का बनकर आती। चल अब घूर क्यों रही है? वंदना चल जा किचन में और सब्जी काट। अपना तू क्या कर रही है? वहां से फटाफट बाल्टी उठा और वो आंगन का कोना साफ कर दे। ओफो माँ। और तू अभी तक यहाँ बैठ के क्या कर रही है? चल अंदर चल।
ऐसी घटनाएं तो हम तीनों बहनों के जीवन का अटूट हिस्सा बन गई थी। माँ बात बात पर लड़की होने का ताना देती तो लगता लड़की होना ही पाप है। हाँ, कभी कभी पिताजी पक्ष ले लिया करते थे। क्यों तुम हर वक्त लड़कियों को कोसती रहती हो? आप चुप रहिए, आप ही के लार प्यार में बिगाड़ा है इन्हें। हमारी भी किस्मत में बस लड़कियां लिखी थी। इसमें लड़कियों का क्या दोष है? दोष कैसे नहीं, क्यों जन्मी थी हमारे घर में? आप क्या जाने, बेटे के बगैर माँ कितनी अधूरी होती है। काश एक बेटा हो जाता। हमारी तकदीर ऐसी कहा, जन्मी तो तीनों ही बेटियां। मैं तो इसी चिंता में घुला जाता हूँ कि काम कौन संभालेगा। भाई एक बार और कोशिश कर लो। की थी मगर वो भी लड़की निकली। उम्मीद तो अभी भी कर रही हूँ मैं। पता नहीं कैसी तकदीर है तुम्हारी। और भी तो भाभियां हैं, उनके तो दोनों लड़के हुए, एक तुमने ही लड़कियों की लाइन लगा रखी है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो क्या दोष मेरे भाई का है? दोष तो सिर्फ औरतों का ही होता है। जैसे आप औरत को कभी एक औरत के अगेंस्ट बोल सकती हो? और उस दिन नंद भावच में काफी देर तक बहस चलती रही। मां भी खूब रोई थी। उस दिन माँ पर बहुत दया आई मुझे। माँ कभी अपने दुर्भाग्य को कोसती तो कभी अपनी लड़कियों को। हमें लगता कि लड़कियों के रूप में जन्म लेकर हम अपने माता पिता पर बोझ बन गए हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। हे भगवान, तूने मुझे तीन ही बेटियां दे दी। एक बेटा होता तो जमाने के ताने ना सुनने पड़ते, पर वंश भी आगे चलता रहता। माँ तू क्यों चिंता करती है, हम भी तो तेरे बेटों जैसी हैं। बुढ़ापे में तेरी खूब सेवा करेंगे, बेटों से भी ज्यादा। रहने दे रहने दे, बेटियां तो आखिर बेटियां ही होती हैं। मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। एक शाम जब मैं कॉलेज से लौटी तो माँ को बहुत खुश पाया। आगे बेटा, थक गई हूँ। लो माँ एकदम ताजी मिठाई है। अरे वाह, कोई आ रहा है क्या? हाँ कोई आ ही रहा है। चाय चाहिए क्या? देखो माँ हमारे बहाने चाय पीना चाहती है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें दाने निकल आते। अरे पीने दे पीने दे, एक दिन पी लेगी तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू माँ। जब बना दे। किसे फोन कर रही हो माँ? तेरे पिताजी को। अच्छा ये तो मिल लेगा। लाओ भाई मिठाई लाओ। चाय 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 गरम चाय गरम चाय चाय चाय। लो। अरे माँ तुम तो कह रही थी किसी मेहमान के लिए मंगवाई है मिठाई। हाँ तो क्या गलत कह रही थी, लो खूब मिठाई खाओ। सारी मिठाई हम खा लेंगे तो मेहमान क्या खाएंगे? भाई ये मिठाई किसी मेहमान के लिए नहीं मंगवाई थी, ये तो असल में किसी आने वाले की खुशी में मंगवाई है। क्या माँ तुम मजाक कर रही हो? भाई तुम लड़कियां भी बड़ी भोली हो। ये मिठाई तुम्हारे भैया की आने की खुशी में है। चल चल अंदर, चल तुझे होमवर्क नहीं करना, चल ये कर। चल अंदर। ये तुम तीनों को शाम क्यों सुन गया? हमें खुद पर शर्म आई कि मेरी माँ उम्र के इस पड़ाव में बच्चे को जन्म देगी। पहले भी तो वो कितनी बार अबॉर्शन कराती रही थी।
तुम्हें कैसे पता कि इस बार लड़का ही होगा? मैंने टेस्ट जो करवाया इस बार। माँ ने राजा के जन्म की तैयारियां शुरू कर दी। वो उसके लिए स्वेटर, कपड़े और खिलौने खरीदती। हम लोगों के इम्तिहान सर पर थे और घर का सब काम हमें ही करना पड़ता। जैसे जैसे बच्चे के जन्म का समय नजदीक आता जा रहा था, माँ की खुशी बढ़ती जा रही थी। सीमा, तुम्हारी मम्मी नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? आने जाने वालों के सवाल हमें तीर से चुभते। मैं चाय लेके आती हूँ। उनकी बातें सुनकर ऐसी टीस होती मानो जख्मों पर नमक लग रहा हो। सीमा गुस्से में पागल सी हो जाती। एक शाम अपर्णा मेरे पास आई और मुझे देखती रही। क्या बापू? क्या बापू? बता। क्या बात है? ये सब सहेलियां मुझे चिढ़ाती है कि तेरी माँ बुढ़ापे में। और उस शाम अपर्णा बहुत रोई। गर्भावस्था के अंतिम दिन भी नजदीक थे और माँ ने हमें हिदायतें देनी शुरू कर दी थी। इधर दे, क्या है, मुझे पढ़ने दे। इधर ला, तूने पेज के पलटा है। पलटूंगी। अपर्णा देखो, तुम राजा से लड़ोगी नहीं। राजा? राजा? हाँ, तुम्हारे भैया का यही नाम रखेंगे। और सीमा, तुम अपनी अलमारी खाली कर देना, राजा के सारे कपड़े उसमें रखे जाएंगे। और खबरदार जो उसकी तेल और साबुन यूज किया कभी। ओफो माँ, उसे पहले सही सलामत जन्म तो ले लेने दो। बदतमीज, आने वाले के लिए ऐसे करके बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती तेरे को? हम तो जैसे तुम्हारी बेटियां हैं ही नहीं। हम मर जाएंगी तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। ये अकड़ किसी और को दिखाना। एक तो लड़कियां, ऊपर से ये तेवर। मुझे पता है मेरी तो कमर ही टूट जाएगी तुम्हारा दहेज देते देते। मेरी खुशी तो तुम लोगों की गले ही नहीं उतर रही। जब तुम्हारे घर बेटियां जन्मेंगी ना, तब एहसास होगा तुम लोगों को। जब से भैया का सुना है, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा था मेरे लिए। जहर खा के मर जाओ तो जान छूटे मेरी। Oh, oh, oh.
बात का इंतजार है? कुछ नहीं। तो फिर शुरू करो। एक मिनट, ताने, ये पिटना पिटाना, ये सब ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अब हमको सिद्ध करके दिखाना है कि वंश का नाम लड़का या लड़की से नहीं चलता, बल्कि उनके कर्मों से चलता है। मैंने दोनों को समझाया कि हम पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे और अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिएंगे, और माँ की नाजायज बातों का विरोध मन जुलकर करेंगे। दोनों को मेरी बात समझ आ गई। इधर माँ नर्सिंग होम से हमारा नन्हा सा भैया ले आई, उसका नाम राजा रखा गया। मेरा रिजल्ट आया, मैं अच्छे नंबरों से पास हुई थी, बाबूजी खुश थे। फर्स्ट डिवीजन। कौन सी नई बात है बाबू जी? जी मैं IAS के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं, जितना पढ़ चुकी है बहुत है। जो लड़कियाँ जितना ज्यादा पढ़ लेती हैं उतनी ज्यादा आगे फिर लड़का ढूंढने में मुश्किल हो जाती है, और ऊपर से दहेज। फिर हमारी कोई एक बेटी थोड़ी है, पूरी तीन तीन है। छोड़ो जी, अब इनकी पढ़ाई वढ़ाई बंद कराओ, अब जरा इसकी शादी के लिए सोचो। वाह, तुम मेरी शादी की चिंता नहीं करो। तो खुद करेगी क्या, बरादरी में नाक कटवानी है? मैंने कहा ना, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। तेरी तो जैसे हम लोग सुनने वाले हैं ना। जरूर। अच्छा बस करो, करने दो जो वो करना चाहती है। मेरी तो इस घर में कुछ चलती नहीं, मैं तो जैसे सबके दुश्मन हूँ। कर लो जो करना है तुम लोगों ने। और मुझे अपने बाबूजी पर गर्व हो आया। मैं IAS की तैयारी में लग गई। माँ जब मौका देखती पढ़ते समय राजा को मेरी गोद में थमा देती। बाद एक चरण में IAS की परीक्षा पास करती गई। मैं IAS की ट्रेनिंग के लिए चली गई। वहीं मेरी मुलाकात संजय से हुई और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। वंदना, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा। दूंगा? क्या मतलब? करते नहीं? मैं करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। बस। अच्छा कुछ कम रह गया? इतना प्यार। ज्यादा प्यार देने की बात ना करो, डर लगता है ये ख्वाब टूट ना जाए। आओ, ये
ये क्या कर रहे हो? मैडम यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। और हाँ, हम लोग कल ही शादी कर रहे हैं। कल ही? हाँ। और अगले दिन हमने कोर्ट में शादी कर ली। एक अजीब सी घबराहट और खुशी दिल में थी कि अब क्या होगा। सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, हमने कोर्ट मैरिज की है, कोई चोरी तो नहीं की। अगर हमारी पोस्टिंग अलग अलग हो गई तो भी कोई बड़ी बात नहीं। इट्स वेरी सिंपल, अगर हमारी पोस्टिंग बाय द वे अलग हो जाती है तो हम नौकरी छोड़ देंगे और जनाब आपकी नौकरी करना शुरू कर देंगे। सुनो, मैं चाहती हूँ हमारी एक बेटी हो। नहीं नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कम से कम दो तो होनी चाहिए। सीमा ने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया और इंजीनियर बन गई। एक दिन उसने हमारी मुलाकात अपने दोस्त किशोर से कराई। हाय दीदी। हाय सीमा। दीदी ये किशोर है। किधर है? अरे कम ऑन अप। हेलो, ये है मेरी दीदी और ये मेरे जीजा जी मिस्टर संजय कुमार। हाय। आओ किशोर बैठो। ठीक है, बैठो सीमा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा पहले ये बताइए आप लोग क्या लेंगे? ये दोनों भी कोर्ट मैरिज करना चाहते थे। अरे किशोर, ये बताओ तुम सिर्फ सीमा से क्यों शादी करना चाहते हो? जी वो दीदी क्या है कि अरे दोस्त शर्माओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कुछ कहना कहो। कम ऑन। थैंक यू। एक्चुअली सीमा की वजह से ही मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हो सका हूँ। इन्हीं की इंस्पिरेशन और कोऑपरेशन से सीमा जैसी लड़की का साथ जिसे मिल जाए उसका जीवन सक्सेस है। शी इज ग्रेट। तो बहुत अच्छा डायलॉग बोल रही हो। क्या मेरी सारी लड़कियां मुझसे बगावत करेंगी? ये शादी नहीं होगी। उन्हें शायद हम पर भरोसा ही नहीं रहा और इसके जिम्मेदार भी तो हम ही हैं। करने दो। माँ हम दोनों की शादी से खुश थी क्योंकि दहेज में उसे कुछ नहीं देना पड़ा था। सीमा भी अपने पति के साथ खुश थी। समय गुजरता गया। अपर्णा ने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया और हमारे घर को एक बड़ी सी प्यारी बिटिया ने अपनी किलकारियों से गुंजा दिया। माँ तुम शाम तक यही रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे यार अभी तक तैयार नहीं। बस एक मिनट। एक मिनट और 10 मिनट का ब्रेकफास्ट, कुल मिलाकर 11 मिनट। अरे यार बहुत देर हो जाएगी भाई। वेरी फास्ट, नो ब्रेकफास्ट। अरे ब्रेकफास्ट तो हम आपको यहीं करा देते हैं। लीजिए ये लो, लिपस्टिक बाद में लगाना, पहले इसको खाओ। यस, इसको छोड़ो। ओफ़ बस करो, तैयार होने दो। हम सब खुश थे, ऐसा लगा जैसे सब कुछ सेटल हो गया। हाँ, राजा का पढ़ाई में मन ना लगता। अपर्णा उसे पढ़ाना भी चाहती तो भी रोना पड़ता। मैंने ट्यूशन भी लगाए मगर वो साथ में दो बार फेल हो गया।
बेटा, तुम्हारा दूसरे स्कूल में दाखिला करवा। कोई जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ाई नहीं करनी। तो क्या करेगा मेरा बेटा? बाबूजी के साथ काम पर जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम, उन्हीं से बात करें, थोड़ी देर में आएंगे वो। और राजा ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन वहां भी न लगता। मगर आज तो हद हो गई, राजा ने मां को जख्मी कर दिया। मुझे एहसास हुआ, वंश का नाम बेटे या बेटी से नहीं चलता, बल्कि संतान के कर्मों से चलता है।